सो गाइस यार, जैसा कि यार तुम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड में देखा था कि हम लोगों को पता चल चुका है कि गाइस आखिर में सायरन हेड कहाँ है, और वो जगह थी यार माउंट चिलियार्ड। अबे लेकिन भाई साहब यार, इन लोगों ने हमें बहुत दौड़ाया यार। हाँ गाइस, सीन यही हुआ है भाई साहब। यार ये दोनों लोग माउंट चिलियार्ड पर ही मिल रहे थे, बट पता नहीं गाइस वहां से यहाँ तक कितनी देर से ये लोग चले जा रहे हैं, और हम लोग यार इनका पीछा करे जा रहे हैं। अरे यार, हम लोग तो बहुत ही बुरी तरीके से थक गए। अबे गाड़ी में तो बैठ के पीछा कर रहे थे। अरे फिर भी यार, इनका पीछा करते करते बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब हो गया है। अरे हाँ गाइस, पता नहीं यार ये लोग पहाड़ पे मिल रहे थे तो इधर पे क्यों आए। फिलहाल तो सबसे बढ़िया बात है कि इन लोगों ने देखा नहीं है। गॉडज़िला भाई ज्यादा नीचे देख नहीं सकता, और सायरन हेड है कि भाई हम लोग उसके बिल्कुल ठीक उल्टे छुपे हुए, तो उसे पता भी नहीं लगने वाला। भाई साहब यार कलियो, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा यार इनका। अरे हाँ यार, कुछ तो करना पड़ेगा। वैसे ये लोग माउंट चिलियार्ड से भाग कर यहाँ पर क्यों आ सकते हैं, पता नहीं भाई साहब। यहाँ पर कोई राज छुपा हुआ है क्या इनका? अरे यार पता नहीं, मुझे तो लग रहा है जरूर कुछ गड़बड़ है। माउंट चिलियार्ड पर ये लोग मिलने गए और उसके बाद यहाँ पर दौड़ कर आए हैं इस फैक्ट्री पर। पता नहीं गाइस क्या दिक्कत है, बट गाइस हम लोगों को एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया वाला तरीका मिल चुका है। अरे क्या यार, अब मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है सायरन हेड को खत्म करने का। अरे क्या यार, अरे देख भाई साहब, तू सायरन हेड को मारेगा, अरे ठीक है, तो फिर गॉडज़िला तुझे उड़ा देगा। अरे हाँ यार, ये बात भी ठीक है। इसीलिए मैं बताऊँ क्या कर रहा था, देख वेनम के पास भी हल्क जैसी पावर्स है। अरे हाँ यार, वेनम के पास भी हल्क जैसी खतरनाक सुपर पावर्स है, बल्कि उससे ज्यादा ही है। तो भाई साहब मैं क्या कर रहा था, वेनम और सायरन हेड यहाँ पर तगड़ी वाली लड़ाई करेंगे। अरे ठीक है यार, और हम लोग बताओ क्या करेंगे। अरे क्या करेंगे यार, अरे हम लोग करेंगे ये कि गॉडज़िला को अपने पीछे दौड़ाएंगे उसे चिढ़ा चिढ़ा के। भाई साहब यार, मान ले वो बुरी तरीके से चिढ़ गया तो ठीक तो है, पीछे पीछे दौड़ेगा। अब भाई साहब कहाँ पीछे पीछे दौड़ा के ले जाएगा। मान ले भाई साहब उसने एक पैर रख दिया ना तेरी गाड़ी पे, चटनी बन जाएगी तेरी गाड़ी की भी और तेरी भी। अबे नहीं भाई, हम लोग ऐसे भगाएंगे कि गॉडज़िला हमें पकड़ ही ना पाए यार। सो गाइस, यही आज का बहुत ही ज्यादा तगड़ा सुपर वाला प्लान है। वेनम पीटेगा भाई सायरन हेड को, और गॉडज़िला को हम लोग अपने पीछे भगाएंगे। वैसे भाई साहब कलुए बहुत ही ज्यादा बड़ा रिस्क है इसमें। अबे रिस्क की कोई दिक्कत नहीं है भाई, गॉडज़िला को हम लोग पीछे दौड़ा लेंगे आराम से, दिक्कत की कोई बात नहीं है। हाँ बस थोड़ा तेज भगाना पड़ेगा गाड़ी को, अगर कहीं भी स्लो गई ना गाड़ी चटनी बना देगा ये। भाई भाई साहब कल मैं बहुत ही संभल के, बहुत ही सूझबूझ के साथ हमें ये मिशन करना होगा। फिलहाल तो गाइस हम लोग यहाँ से निकलते हैं सीधा एवेंजर्स के घर पे, वहाँ से बुला कर लाते हैं एक सेकेंड हम लोग वेनम को। अबे भाई साहब यार, लेकिन वेनम लड़ पाएगा सायरन हेड से? उम्मीद तो पूरी है यार कि शायद लड़ ले, देखते हैं भाई साहब क्या होता है। अरे यार अगर नहीं लड़ पाया तो? अबे लड़ लेगा भाई, टेंशन मत ले भाई, वेनम बहुत ही ज्यादा बहादुर आदमी है, मतलब वही एवेंजर, बहुत ही ज्यादा तगड़ा वाला एवेंजर है। और तू ही तो कह रहा है हल्क से भी ज्यादा उसके पास पावर्स है। अरे हाँ यार, पावर्स के मामले में तो वो हल्क से भी ज्यादा स्ट्रांग है, तो फिर क्या दिक्कत है भाई, वेनम पक्का सुलटा देगा इसको। अरे यार लेकिन मान लो उसको सुलटाने के चक्कर में वो खुद ही सुलट गया तो? अबे नहीं यार, देख जहां तक मेरे को लगता है अकेले सायरन हेड और वेनम की लड़ाई हो तो भाई सीधी सी बात है वेनम ही जीतेगा। बट हाँ, अगर यार गॉडज़िला ने बीच में टांगड़ा दी फिर तो भाई साहब मैं कुछ कह नहीं सकता। अरे यार गॉडज़िला ऐसे कैसे टांगड़ा देगा, हम उसको अपने पीछे दौड़ा कर कहीं और ले जाएंगे ना यार। वही तो भाई साहब, यही तो मेरा प्लान है गाइस। फटाफट से काम करते हैं, सीधा चलते हैं एवेंजर्स के पास। वैसे गाइस तुम लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से जाकर यार वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। अरे हाँ यार, तुम लोग फटाफट से जाकर यार वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। भाई साहब यार फटाफट से जाकर लाइक कर दो यार, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। अरे यार जल्दी चलो एवेंजर्स के घर पे। भाई साहब कल जल्दी भगा यार, पता चला उन लोगों ने कुछ तगड़ा प्लान बनाकर हमारे ऊपर ही हमला कर दिया। अबे हाँ यार, ये भी बात सही कह रहा है गाइस, जल्दी से चलना होगा एवेंजर्स के घर पे। सो गाइस यार तुम लोग देख पा रहे हो वो एवेंजर्स का घर, और हम लोग आ चुके हैं। वैसे यार हम लोग वेनम को कॉल भी तो कर सकते थे। अरे लेकिन यार कॉल पे हम लोग अपना प्लान थोड़ी ना समझा सकते थे कि हम लोग गॉडज़िला को अपने पीछे लगाएंगे। अरे हाँ ये बात सही कह रहा है गाइस, फटाफट से चलते हैं यार एवेंजर्स के घर पे। रहो गाइस, वेनम को पूरी तरीके से तैयार करते हैं। वैसे बस वेनम डरे ना यार। अरे नहीं यार, वो नहीं डरेगा, मुझे पक्का पता है सायरन हेड का तो वो कुत्ता बना के मारेगा। भाई साहब यार, तुम लोग जिसको भी देखो कुत्ता बना के क्यों मारते, तुम लोग मेरे को मारते हो क्या? अरे नहीं यार, ये तो एक कहावत है पता नहीं क्या है, जो भी हो गाइस फटाफट से चलते हैं। वेनम भाई सुन, अरे यार क्या है फ्रैंकलिन? अरे बता रहे भाई, जल्दी चला आयरन मैन। अरे ठीक है चलो 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 भाई साहब। वेनम सुन यार सुन। अरे हाँ यार वेनम, हमारी बात को ध्यान से सुनो। अरे क्या हो गया यार, कैसे आ गए तुम लोग, मिला नहीं क्या सायरन हेड? अबे मिल गया, और सायरन हेड अपना दोस्त भी लेकर आ चुका है। अरे कौन यार? अरे यार फ्रैंकलिन बाद में बताते रहना। अरे एक सेकंड बता तो लेने भाई। अबे उसका दोस्त आ गया गॉडज़िला।
अरे क्या बात कर रहे हो यार, ये गॉडज़िला का बच्चा कहाँ से आ गया? पता नहीं भाई साहब, लड़ने के लिए वो भी आया और दोनों मिलकर ही तबाही मचाएंगे अब लॉस सैंटोस के अंदर। अरे तो यार जल्दी कुछ करना पड़ेगा, उसी के लिए तो हम लोग वेनम के पास आए हैं। वेनम भाई हमारी बात सुन, तेरे पास तो हल्क जैसी ही पावर्स हैं। अरे हाँ यार, मेरे पास हल्क जैसी ही पावर्स हैं। तो भाई तू एक काम करना। अरे क्या यार, तू जा और सायरन हेड से लड़। अरे नहीं यार, मैं नहीं लड़ूंगा, सायरन हेड से मैं नहीं लड़ सकता। अबे भाई साहब तो टेंशन मत कर। अरे यार मैं सायरन हेड से तो लड़ लूंगा, लेकिन उसके पीछे जो गॉडज़िला है वो तो मेरी चटनी बना देगा। अबे भाई हमारे पास उसका भी बहुत ही तगड़ा प्लान है। देख हम लोग क्या करेंगे, गॉडज़िला को अपने पीछे लगा लेंगे और उसको अपने पीछे कुत्तों की तरह दौड़ाएंगे, और तू जाकर भाई साहब सायरन हेड का कुत्ता बना दियो। अरे यार लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई तो? अरे कोई गड़बड़ नहीं होगी ना। और एक काम करना भाई, वेनम तू और हल्क तुम दोनों ही चले जाओ। अरे हाँ यार, ये सही कहा तुमने। अरे हाँ मैं भी चला जाऊंगा। एक काम करो ना, तुम दोनों अपनी अपनी आधी आधी पावर बांट लो। अरे हाँ ये भी अच्छा आइडिया दिया तुमने। हाँ भाई साहब यही करो। अरे हाँ यार ठीक है यार, वेनम अपनी आधी पावर मुझे दे देगा और हम दोनों चले जाएंगे उस सायरन हेड को पीटने के लिए। वही तो भाई साहब। अरे हाँ यार फ्रैंकलिन, वाह क्या ही आइडिया लगा है, मजा ही आ जाएगा। अरे लेकिन सायरन हेड इन दोनों को पीट दिया तो? अरे नहीं पीट पाएगा भाई ब्लैक विडो, दोनों भाई मिलके भाई बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और सायरन हेड अकेला क्या कर पाएगा। अरे यार चलो फिर हमारे संग ही चलो। अरे नहीं तुम लोग जाओ, हम लोग आते हैं। ठीक है आना जरूर, लेकिन अरे चिंता मत करो। अरे हाँ यार चिंता मत करो। ठीक है भाई आजा भाई आयरन मैन, हम लोग एक काम करते हैं, गॉडज़िला को फटाफट से अपने पीछे लगाते हैं। भाई साहब कल हो गई बात। अबे हो गई बात भाई, आयरन मैन आ जाओ यार और फटाफट से भाई साहब हल्क वगैरह तुम लोग भी आ जाना यार, धोखा मत दे देना हम लोगों को। अरे हाँ यार टेंशन मत करो, हम लोग बस आते। अरे हाँ यार आ रहा, बस दो मिनट रुक जाओ। ठीक है भाई सब ठीक है भाई, आयरन मैन तू तो आ जाए। सो गाइस फटाफट से यार आयरन मैन को लेकर चलते उस जगह पर। गाइस फटाफट से यार गॉडज़िला को हम अपने पीछे लगाते हैं। बाप भाई साहब गॉडज़िला से इतना ऊंचा है। हाँ तो भाई साहब यार तुम लोग उससे चुड़ाओगे तो उसे पता कैसे चलेगा कि कोई उससे चुड़ा रहा है? अरे यार उसके सामने तूने एक टंकी नहीं देखी, उस वाली टंकी पे चढ़कर चुड़ाएंगे। बाप भाई साहब क्या बात है कलुए। अबे हाँ यार, और ऐसे चुड़ाएगा भाई गॉडज़िला बहुत ही गुस्सा हो जाए और गाइस पागलों की तरह हमारे पीछे पड़ जाए। और उसी बीच भाई हल्क और वेनम अपना काम तमाम कर देंगे सायरन हेड का। अरे लेकिन यार ये लोग टाइम पर तो आएंगे ना? पता नहीं भाई साहब, भाई तेरे एवेंजर्स है मुझे नहीं पता, वैसे अगर टाइम पर नहीं आना फिर तो मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। भाई साहब यार कल हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये लोग देरी कैसे करेंगे? अबे नहीं नहीं यार मुझे विश्वास है टाइम पर आएंगे फटाफट से। गाइस इनकी बात छोड़ो ना यार, हम लोग एक काम करते सीधा गॉडज़िला को हमें पीछे लगाते हैं। सो गाइस यार रेलवे ट्रैक को फॉलो करते हुए हम लोग काफी ज्यादा तेजी के साथ आ चुके हैं यार उस वाली फैक्ट्री की तरफ जहाँ पर है वो खतरनाक वाला गॉडज़िला। फिलहाल तो गाइस यहाँ पर एक ट्रेन जा रही है और इधर दो चार ट्रेन की पटरियां रुकी हुई है, मतलब ट्रेन की पटरियां नहीं यार ट्रेन के डिब्बे। वाह भाई साहब यार कलवे तू ट्रेन गिनता रहे। अबे नहीं गिन रहा ना भाई, भाई यार डर लग रहा है मेरे को तो अब। अरे यार अभी तो कब से लंबी लंबी फेंक रहे थे कि हम लोग ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अब तुम्हें डर लग रहा है? अबे भाई साहब गॉडज़िला से डर लग रहा है यार, कहीं कुत्ता ना बना दे गॉडज़िला। भाई साहब कलवे टेंशन मत ले, मैं तेरे संग ना। अच्छा तू कुछ उखाड़ लेगा अगर गॉडज़िला पीछे पड़ गया हाथ धोके तो? भाई साहब मैं बचाऊंगा तुम लोगों को। गाइस यार डर तो बहुत ज्यादा लग रहा है, बट गाइस यार इस डर को तुम लोग कम कर सकते हो वीडियो को लाइक करके। अरे हाँ यार तुम लोग फटाफट से जाओ यार वीडियो को लाइक करो। अरे हाँ गाइस फटाफट से जाकर यार वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और साथ में यार बेल वाले आइकन भी प्रेस कर देना। हाँ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाले आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन याद से ऑन कर देना। अभी तो फिलहाल गाइस हम लोग ऊपर चलते हैं, वो देखो यार पीछे की साइड गॉडज़िला है। पहले तो यार ऊपर चल लेते हैं और फिर उसके बाद उसे चढ़ाना शुरू करेंगे। भाई यार एमरन तू भी आ जा यार। अरे हाँ यार आ रहा हूँ, टेंशन मत करो भाई, जल्दी है जल्दी। वो रहा गाइस गॉडज़िला कितना ज्यादा बड़ा है यार। अबे भाई आयरन मैन जल्दी आ, कितनी ज्यादा स्लो आ रहा है। अरे आ तो गया यार बोलो। ओके सो गाइस फटाफट से, ओए गॉडज़िला के बच्चे ओए आ जा, ए गधे आ जा गॉडज़िला, नीले नीले पीले पीले गुलाबी गुलाबी कहाँ से गिर के आया है? अरे यार मेरे को तो लगता है किसी नाले में गिर गया है ये। अरे कौन है जो मुझे ऐसे बोला है? इधर देख भाई सामने टंकी पे, ओए चूहे के बच्चे, चूहे जैसी शक्ल है तेरी, गंदी सी शक्ल के नाली में गिर के आया लगता है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। भाई साहब मेरे को तो लग रहा है गाइस उसको होली पे यार एकदम बुरी तरीके से गली के बच्चों ने पकड़ के गुलाल से रंग दिया। भाई साहब क्या ही बुरी तरीके से इसकी हालत कर रखी है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
रुको। ओ भाई साहब भागो 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 गाइस फटाफट से निकलते हैं। अरे यार रुको रुको मेरे लिए तो रुको। अबे भाई आयरन मैन जल्दी आ जाए यार, हम लोगों को जल्दी से निकलना पड़ेगा। रुको भागते कहां हूं मैं, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वाह भाई साहब कल तुमने तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला दिया उसे। अबे कोई नहीं भाई आयरन मैन जल्दी बैठो, उसे फटाफट से लेकर चलते हैं। ओए आजा आजा गुलाबी गुलाबी बच्चे। अरे रुको। ओके सो गाइस ये गॉडजिला का बच्चा तो पीछे ही आ रहा है। वाह भाई साहब कल निकल निकल निकल। अरे गाइस यार हम लोगों को बहुत ही तेज भगाना पड़ेगा गाड़ी को फिलहाल तो। गाइस तुम लोग देखो यार, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे क्या क्या बोला तुमने, ये बोलने से पहले हजार बार सोचना चाहिए था। बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया लगता है ये तो। भाई साहब यार कलवे जल्दी भगा के ले चल यार, जल्दी भगा के ले चल। ओके सो गाइस ये देखो यार गॉडजिला कैसे पागलों की तरह दौड़ता हुआ आ रहा है यार। अरे यार हमारा प्लान बिल्कुल सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। वही तो भाई साहब बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। गाइस यहाँ पर एक सीढ़ी है और ब्रिज, ओ ब्रिज को भी पार कर गया ये। भाई साहब यार कलवे गाड़ी अटक गई। ओ गाइस नहीं नहीं ओ बच गया बच गया बच गया। अबे कहां ले जाऊं मैं। भाई साहब यार कलवे मैं कह रहा था बुरी तरीके से फंस जाएंगे। ऐसे कैसे फंस जाएंगे गाइस, यार गॉडजिला को हम लोग पीछे दौड़ा रहे हैं। तुम लोग देख सकते हैं वैसे यहाँ पर ट्रेन भी आती है ना। एक सेकंड रुक जा वो गॉडजिला के बच्चे, रुक जा तेरे ऊपर से ट्रेन निकाली है। और रुक जा। ओके सो गाइस यार ये निकला मैं बाहर और ये गॉडजिला ट्रेन के ऊपर जंप कर लिया इसने। भाई साहब यार कलवे ये तो बहुत ही ज्यादा चालाक है यार। वही तो गाइस ये देखो यार ट्रेन के ऊपर जंप कर रहा था ये। बट गाइस यार ये वापस से हमारे पीछे पड़ गया यार, अच्छा खासा कूद तो रहा था। भाई साहब यार कल भी गॉडजिला तो बहुत ही ज्यादा चालाक है। अब हाँ यार मैंने सोचा था गाइस इसको यार ट्रेन के नीचे ला देंगे और भाई ये दब के शायद खत्म हो जाए। बट गाइस यार ये तो ट्रेन के ऊपर से ही जंप लगा ले गया। अरे यार जल्दी से अब इसको भगाना पड़ेगा यार, बहुत ही ज्यादा स्लो दौड़ रहा है ये तो। अरे कोई नहीं सही है, हम लोग धीरे धीरे करके लेकर चल जाएंगे। और वैसे भी यार ये हल्क और वेनम भी तो अभी तक नहीं आए हैं। अरे हाँ यार बस फटाफट से यार इसको किसी सुनसान जगह पर लेकर जाते हैं और वेनम और हल्क आके यार उस सायरन हेड का गेम बजा दे। भाई साहब इसे क्या हो गया गॉडजिला को। भाई साहब यार कल पता नहीं, ओ भाई साहब ये तो भाई साहब धोखा ही कर रहा है। अबे धोखा वो कैसे। अबे देख अभी बेहोशी का नाटक किया इसने। और गाइस हम लोग इसके पास जैसे ही जाने वाले थे भाई उठकर हमारे ऊपर हमला कर दिया। भाई साहब ये तो कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रहा है यार। अबे भाई यार कल मेरे को नहीं पता था, मेरे को तो लगा था ये गॉडजिला मोटी बुद्धि का होता है, लेकिन भाई साहब ये तो अलग अलग खेल रच रहा है। वही तो भाई देख रहा है तू कैसे बेहोशी का नाटक कर रहा है ताकि हम लोग इसके पास जाए और गाइस बुरी तरीके से हमारे पीछे पड़ जाए। ये देखो भाई वापस से इसने वही किया है। भाई साहब ये गॉडजिला का बच्चा। भाई साहब यार कल भगा जल्दी से गाड़ी। अरे हाँ यार अभी जल्दी से इसको गाड़ी भगा कर सीधा कहीं और लेकर चलते हैं। एक काम करते हैं यहाँ समुद्र की तरफ लेकर चलते हैं। अबे नहीं एक काम करते हैं लॉस सैंटोस की तरफ लेकर चलते हैं। वैसे भी मुझे नहीं लगता ये कोई और तबाही मचाएगा, ये बस हमारे पीछे दौड़ता रहेगा। अरे तो यार फिर देश किस बात की, फटाफट से इसे लॉस सैंटोस की तरफ ही लेकर चलो। कहाँ गया ये। अरे यार पता नहीं शायद यहीं पर हो। गाइस ये गॉडजिला तो भाई बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब चीजें कर रहा है यार। अरे यार ये लोग कहीं गॉडजिला को लेकर नजर नहीं आए। अरे यार पता नहीं कहाँ पर लेकर गए ये लोग गॉडजिला को। चलो छोड़ो यार जो भी हो, हम लोग तो यार उस सायरन हेड के बच्चे को सबक सिखाने के लिए आए हैं। अरे हाँ यार सही कहा, आज तो सायरन हेड को छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे हाँ यार वो सायरन हेड मेरा दोस्त बनकर मेरी पावर्स लेकर चला गया, उसको तो आज बख्शा नहीं जाएगा। कहाँ पर छुप कर बैठा ये सायरन हेड, सामने आ मेरे। यार ये गॉडजिला भी ना पता नहीं किन बेवकूफों के पीछे भाग गया। चलो छोड़ो यार अब लगता है अकेला ही इधर इंतजार करना पड़ेगा इनका। ये गॉडजिला भी, अरे यार ये पता नहीं कहाँ मिलेगा। अरे यार यहीं पर मिलेगा, चलो ढूंढे तो सही से। अरे ये रहा यार, अरे तो ये रहा ये सायरन हेड का बच्चा, छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। हाँ यार छोड़ेंगे नहीं इसे। अरे सायरन हेड, अरे यार तुम लोग कौन हो। अरे तुम तो वेनम और हल्क हो यार। अरे हाँ और हम लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अच्छा तो तुम लोग मुझे मारने के लिए आए हो। अरे हाँ हम लोग तुम्हें मारने के लिए आए हैं। हल्क साइड हो जाओ, पहले इसका कुत्ता मैं बनाऊंगा। अरे ठीक है यार पहले तुम जाओ फिर मैं। हल्क टेंशन मत लो, मैं इसको भी धूल चटाता हूँ। अरे ठीक है यार। अरे यार तुम्हें तो मुझे सारा कुछ करके तो दिखा सायरन हेड। अरे एक ही रैप्टे में लेट गए तो।
ये तो मेरा मरने का नाटक था वेनम, ये लो। वेनम, एक ही बार मैं धूल चटा दे, मरने की एक्टिंग कैसी लगी? अरे यार, ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया साइरनेट, इसका हर जाना तुम्हें भुगतना होगा। क्या करोगे तुम? और वो हल्का बच्चा कहाँ गया? अरे हल्के बच्चे कहाँ छुप के बैठे? अरे अरे दौड़ते हुए आ गए तुम, ये लो ये लो। तूने आयरन मैन को परेशान किया, तूने सबको परेशान किया, तुझे छोड़ूंगा नहीं सारे नेट के बच्चे। अरे वाह, अच्छा लगा कि कोई कम से कम मेरी बराबरी का तो है, लेकिन तुम्हें छोड़ूंगा नहीं हल्के बच्चे, ये ले। अरे वाह, तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हो। अरे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं सायरन हेड, अभी तुझे मैं धूल चटाता हूँ। अच्छा, मुझे धूल चटाओगे? हाँ, कैसा लगा हल्क मेरा फटका? ये लो एक और हल्क, लो ये लो। सायरन हेड के हाथों से बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है हल्क, नामुमकिन है। अरे वैसे एक बात बताओगे यार, तुम्हारी पावर्स तो मेरे पास है, तुम्हारे पास पावर्स कहाँ से? अरे ये सारी पावर्स वेनम की है, हम लोगों ने अपनी पावर्स आधी आधी बांट ली थी, उसी का ये असर है। अच्छा, तो दोनों ने मिलकर मेरे ऊपर हमला किया। अरे हल कहाँ भाग गए अब, जरा दिखो तो सही हमें। अच्छा तो यहाँ हो हल्क, तुम्हें एक सलाह देता हूँ। क्या सलाह देते हो? अरे मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ कि जाकर पहले अपने दोस्त का इलाज कराओ, पता चला वो इधर पड़े पड़े ही टपक गया। अरे हाँ, तुमने सही कहा वेनम, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। अरे जाओ जाओ, पहले अपने दोस्त का इलाज करा के आओ बेवकूफ हल, जा यहाँ से निकल। सायरन हेड से पंगा पड़ेगा बहुत महंगा। हल्के बच्चे, तूने मुझे बहुत मारा ना, तुझे क्या लगता है इतनी आसानी से मैं तुझे तेरे दोस्त का इलाज करवाने दूंगा? छोड़ूंगा नहीं। ये उठाई गाड़ी और ये से है मेरा वार। यहाँ से निकलता हूँ मैं, जा जी ले अपनी जिंदगी, और अगली बार नजर आया छोड़ूंगा नहीं तुझे। सो गाइस, अगर तुम लोग अगर ये वाली वीडियो बढ़िया लगी तो फटाफट से जाकर यार वीडियो को लाइक कर दो, साथ में यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन यहाँ से ऑन कर देना, और गाइस यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय।